नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए एक और ज़बरदस्त फिल्म लेके आने वाले हैं और उस फिल्म का नाम है हेरा फेरी 3। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेरा फेरी 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या इस मूवी में फिर से हमें वो आइकॉनिक कैरेक्टर राजू, बाबू भैया और श्याम देखने को मिलेंगे या नहीं, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेरा फेरी की शुरुआत 2000 साल में हुई थी और ये एक कॉमेडी मूवी थी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, तब्बू, गुलशन ग्रोवर और ओम पुरी जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे। दोस्तों हेरा फेरी फिल्म को डायरेक्शन दिया था प्रियदर्शन ने। ये कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी, दर्शकों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आई और इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 8 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया उस टाइम पर और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद दोस्तों मेकर्स 2006 में फिर हेरा फेरी फिल्म लेके आए, ये भी एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म थी। दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो हेरा फेरी फिल्म में भी हमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, बिपाशा बासु, रिमी सेन, राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था नीरज वोरा ने। इस फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुए और इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 30 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उसके बाद तो फैंस इस फिल्म का पार्ट 3 के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे दोस्तों, पर कोई इस फिल्म का पार्ट 3 बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दोस्तों 14 साल बाद इस फिल्म का पार्ट 3 बनने जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म में भी हमें दमदार कॉमेडी देखने को मिलेगी। दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो हमें फिर से अक्षय कुमार, परेश रावल, बिपाशा बासु, राजपाल यादव और कैटरीना कैफ देखने को मिलेंगे इस फिल्म में अहम रोल में। दोस्तों कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की सुपरहिट जोड़ी मानी जाती है बॉलीवुड में और वो हाल ही में सूर्यवंशी फिल्म भी लेके आने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने साथ में कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म देख की है। हेरा फेरी 3 फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं प्रियदर्शन और दोस्तों बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 75 करोड़ ऑलमोस्ट रहेगा और ये फिल्म रिलीज हो सकती है 2021 को। अगर दोस्तों हेरा फेरी 3 फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करें तो जिस तरह से अभी अक्षय कुमार सर का स्टारडम चल रहा है साथ में आसमान पे, उस तरह ये फिल्म आराम से 200 करोड़ का आंकड़ा इंडियन मार्केट पर क्रॉस करेगी और उससे ऊपर कितना करेगी वो तो अंदाजा ही नहीं, 300 भी कर ले, 250 कर ले, वो कोई भी अंदाजा नहीं। तो दोस्तों आप हेरा फेरी 3 फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और अक्षय कुमार के ट्रू फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत।